Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to teach you how to make daisy beaded bracelet. So let's get started. I'm using 40 mm nylon thread. Take nylon thread, put 6 beads. I'm using black pearls, which is 6 mm. So put 6 beads in the nylon thread. Insert 10 mm white pearl. आपको ये मेक श्योर करना है कि दोनों साइड्स इक्वल हो और हम सो बेसिकली आपको दोनों वायर्स में एक पर्ल इंसर्ट करना है और फिर फर्स्ट वाली साइड को दो ब्लैक बीट्स में इंसर्ट कर देना है और सेकंड वाली साइड्स को भी दो ब्लैक बीट्स में इंसर्ट कर देना है लाइक दिस. आप इस प्रोसेस को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखें तो आपको सारी प्रोसेस इजीली समझ आ जाएगी. तो इस तरह से हमने दोनों एंड्स को दोनों साइड के दो दो पर्ल्स में इंसर्ट कर देना है. अब हम दो ब्लैक पर्ल इंसर्ट करेंगे एक साइड में. वन टू और सेकंड वाले एंड को इन पर्ल्स में इंसर्ट कर देंगे. हम इसे क्रिस क्रॉस कर देंगे और दोनों साइड्स को पुल कर देंगे लाइक दिस. नाउ यू कैन सी गाइस, अब हमारा एक फ्लावर सा बन गया है. सो अब हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे. अब हमें दोनों साइड्स में टू टू पर्ल्स इंसर्ट करना है. एक साइड में दो ब्लैक पर्ल इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड में भी दो ब्लैक पर्ल इंसर्ट कर देंगे. अब हम दोनों साइड्स को एक करके उसमें एक वाइट पर्ल इंसर्ट कर देंगे. दोनों थ्रेड्स को हमें इक्वल करना है और उसमें एक 10 mm पर्ल इंसर्ट कर देना है लाइक दिस. और उस पर्ल को उसके बीच में ले जाकर और दोनों साइड्स के थ्रेड निकालकर दोनों ब्लैक पर्ल्स में इंसर्ट कर देना है. लाइक दिस यू कैन सी गाइस. अब हम दोनों एंड्स को दोनों साइड के पर्ल्स में इंसर्ट कर देंगे. लाइक
लाइक दिस, एक एंड को एक साइड में और दूसरे एंड को दूसरी साइड में. बहुत इजीली ये इंसर्ट हो जाएंगे. अब दोनों साइड्स को पुल कर देना है अच्छे से, लाइक दिस. अब हम दो ब्लैक पर्ल्स एक साइड में इंसर्ट करेंगे और दूसरे एंड को लेकर क्रिस क्रॉस कर देंगे. तो मैं यहाँ इंसर्ट कर रही हूँ दो पर्ल्स एंड क्रिस क्रॉस. पुल बोथ ऑफ साइड्स like this. Now you can see guys, हमारे छोटे छोटे से flowers ready होते जा रहे हैं. So अब हमें इसी process को repeat करना है. Again I am inserting 4 black pearls, 2 each. इक्वल करेंगे अब दोनों साइड्स को मिलाकर 10 mm का एक पर्ल इंसर्ट करेंगे. पहले ब्लैक बीट्स इंसर्ट करना है दोनों साइड्स एंड दोनों को इक्वल करके एक वाइट पर्ल इंसर्ट करना है. Like this. Make black और white pearls का daisy bracelet बना रही हूँ. आप किसी भी color का बना सकते हैं. सो अगेन आपको दोनों साइड के दो दो बीट्स में दोनों एंड्स को इंसर्ट करना है. फर्स्ट साइड मैंने ये किया एंड सेकंड साइड अगेन हम यही प्रोसेस करेंगे और दोनों ब्लैक पर्ल्स में थ्रेड इंसर्ट कर देंगे और पुल कर देंगे. और दो ब्लैक बीट लेकर क्रिस क्रॉस कर देंगे. क्रिस क्रॉस एंड पुल. अगेन हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे. इंसर्ट 4 बीट्स, 2 बीट्स बोथ ऑफ साइड्स, 1 वाइट पर्ल एंड हम थ्रेड को दोनों साइड से निकाल देंगे, लाइक दोनों साइड से इंसर्ट कर देंगे. टू पर्ल्स में 1 साइड इंसर्ट करेंगे और 2 पर्ल्स में अदर साइड इंसर्ट करेंगे, आई मीन सेकंड साइड इंसर्ट करेंगे लाइक दिस और पुल कर देंगे. पुल करने के बाद 2 पर्ल्स इंसर्ट करेंगे एक साइड एंड अगेन हम क्रिस क्रॉस कर देंगे. सो इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है बेसिकली.
repeat the same process again and again. सो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर कट किया है बिकॉज़ मैंने एक छोटा थ्रेड यूज़ कर लिया था जो मेरे ब्रेसलेट को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो आप थ्रेड की लेंथ इतनी रखिएगा कि उससे आपका ब्रेसलेट कंप्लीट बन जाए, सो आपको कोई थ्रेड ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगेन हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। अब आप इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देख सकते हैं लाइक दिस। आई होप आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी इजी। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए। क्रिस क्रॉस एंड पुल। ये बहुत ही इजी तरीका है डेजी ब्रेसलेट को बनाने का। सो या आई एम मेकिंग ब्लैक एंड वाइट पर्ल डेजी ब्रेसलेट। दिस इज़ द इजीएस्ट वे टू मेक डेजी ब्रेसलेट। आई होप आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। So, put two beads and crisscross और इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है। Now you can see guys, हमारा beaded daisy bracelet बनकर रेडी है। आई होप यू ऑल लाइक इट। प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।